सब्सक्राइब करो पंजाबी रियल टीवी। ट्रेलवी नप दो। नप दो। हेलो बबू, माय नेम इज मिसिंग एंड शी इज दिलप्रीत कौर। शशिकाल। ये किसी बड़ी आँख की जी सोच चुको। शशिकाल। सो गाइस की हाल चाल है तारी सब रीटा को असी बहुत बढ़िया थैंक्स फॉर आस्किंग एंड आज दी वीडियो इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड बड़े डिफरेंट टाइप दी है। ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੈਪਚੈਟ ਆਈ ਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਵਾ, ਇਟਸ ਅ ਵਾਕਿਆ ਯੂਸਫ ਐਜ਼ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾ ਔਰ ਉਨਕੀ ਦਾੜੀ ਬਾਏ ਫੈਜ਼ ਸਈਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਾਓ। So here we go. के बाद नौकरी के बाद सफलता। अब एक बहुत बहुत खतरनाक हसास चीज नौजवानों के लिए, खूबसूरत नहीं दिखते दाढ़ी वाले। दाढ़ी जब नहीं रहता आदमी खूबसूरत दिखता। चलिए आइए देखते वाकई में क्या दाढ़ी वाला खूबसूरत रहता है बकरा दाढ़ी। ये कुछ फख्र से और कॉम्प्लेक्शन डेवलप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा से बढ़तरी में नहीं दाढ़ी वाला खूबसूरत। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेबुनियाद चीज़ है ये कहना कि जो आदमी दाढ़ी काटता है खूबसूरत लगता है, उसका कोई बेस नहीं है। इसलिए कि जो फितरत को ख़राब करता है वो खूबसूरत हो ही नहीं सकता, ये बात तय है। श्योर श्योर। आइए, दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? एक आम उसके मुताबिक लोग बोलते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत थे, अल्लाह ने उनको आधी खूबसूरती वल्लाह वाले में इसकी रिवायत है कि आधी से। लेकिन आप खूबसूरत की बात होता है इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज गए तो आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा अल्लाह ने बहुत बड़ी खूबसूरती आपको अता की थी, खूबसूरती में से दुनिया में भेजी, कितनी नेमत है, बहुत खूबसूरत थे। आप सामने जब देखा तो कहा बहुत खूबसूरत इंसान थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर क्या हुआ वाकया? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बद नज़र डाली किसने? अजीज़ मिस्र की बीवी ने। लोगों ने क्या कहा? अरे गुलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम नौकर थे ना, अरे गुलाम पे नज़र डाली, इतनी बड़ी औरत, तू वज़ीर की बादशाह की बीवी रानी और गुलाम पे नज़र डाली। तो उस औरत ने अपना इल्ज़ाम हटाने के लिए क्या किया? फिर आओ सब, कौन कौन है मेरे को बोल रहे जो गुलाम पे नज़र डाली, इधर आओ। सब आ गए, सब के हाथ में सब्ज़ियाँ दे दी काटने के लिए, चोरियाँ। कुरान का वाक़ है सर यूसुफ। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा गुजर जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए तो क्या हुआ? उन्होंने सब्ज़ियों को काटना छोड़कर उंगलियाँ काट ली। हाशा अल्लाह, और कहा मतलब ये तो एक अजीब चीज़ है, और कहा कि ये तो इंसान हो ही नहीं सकता है, ये तो कोई मलकुल करीम बुजुर्गवार फरिश्ता दिखता है, और फरिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो कोई बुजुर्गवार फरिश्ता दिखता है, इतना खूबसूरत। क्या काट लिए? हाथ काट लिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम बकर दाढ़ी के होंगे क्या? हर नबी को दाढ़ी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम यकीनन होंगे। माई आयशा के सामने कुछ और थे और कहा यूसुफ तो इतने खूबसूरत थे, यूसुफ तो ऐसे थे, यूसुफ तो वैसे थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि यूसुफ के जो औरतें थी वो अजीज़ मिस्र जो जमा की थी, उन्होंने अगर यूसुफ को देख के उंगलियाँ काट दी तो अगर मेरे नबी को देख लेती उनकी खूबसूरती को तो अपना कलेजा निकाल के काट लेती। तो क्या इससे पता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान थे, आयशा की गवाही के मुताबिक सबसे खूबसूरत। तो मेरा ये सवाल है, सबसे खूबसूरत इंसान जब बगैर दाढ़ी के नहीं हो सकता तो दूसरे जो खूबसूरत होना चाह रहे हो बगैर दाढ़ी के हो सकते हैं कि बताइए मुझे? दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बगैर दाढ़ी के हो नहीं सकता। तो जो लोग खूबसूरती के चक्कर में जा रहे हैं वो सब बहाने छोड़ दीजिए। इंसान सबसे खूबसूरत इंसान दुनिया की यूसुफ अलैहिस्सलाम और अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खूबसूरत थे, आप बगैर दाढ़ी के नहीं थे। सबसे खूबसूरत इंसान दाढ़ी वाला ही होता है, हसन इब्न साबित रज़ी। ओ गाइस, सो ए सी अज दी वीडियो क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। अज पहली बार मतलब इस्लाम धर्म की आपां इदां दी वीडियो देखी है जिदे विच पहरावे बारे गल कीती गई होवे, है ना। सो कैंट सी ऑसम दाढ़ी बारे मतलब तुहाडे लई भी दाढ़ी वगैरह है ना जरूरी है? यस, साडे लई भी और तुहाडे लई भी। बिल्कुल, जिदा हुण इन्हां दे कहिंदा मतलब कि सिखिज़म एंड इस्लाम दे विच जो मैं अगे भी कहने हुंदे असीं कि सिमिलैरिटीज़ हैगियां बहुत, जिदा कुदरत नाल छेड़छाड़ करना अलाउ नहीं है। सो कुदरत की है? कुदरत ने यह अपना रंग रूप बनाया, कुदरती तौर पर ही अपने वाल आउंदे आ, दाढ़ी आउंदी है, मुछां आउंदियां इदां वालियां, है ना, जिहड़ियां तुसीं कहिंदे कि बहुत चंगे लगदे भाई तुसीं इदां करदे। सो सिखिज़म विच वी इही है कि आपां छेड़छाड़ नहीं करनी, है ना, जो आपां नूं रब ने रूप दिता वो सब तो खूबसूरत है, सब तो वधिया ब्यूटीफुल है,
क्योंकि सिख धर्म एक वखरा कॉन्सैप्ट हो गया ना इस बारे ते इस्लाम विच एक वखरा हो गया जो सिखिज़म दा के जो एक पहचान दिती है जो दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा सजाया है ना उन्होंने आनंदपुर साहब विखे अमृत छका के खालसा बनाया खालसे तो बाद उन्होंने सिख नूं एक पहचान देती जो कि दस्तार एंड दाढ़ी है ना कि इतों दूरों बंदा पछाण लैंदा कि सिख आ है ना सो ये एक पहरावे वाइज असल सिख की डेफिनेशन कुछ होर आ फिर कदे आप सांझी करांगे डिवाइन करांगे असल सिख बंदा किरदार नाल है ओ रंग रूप नाल नहीं है ना सो बट यह एक दुनियादारी लई एक पहरावा दिता जिथों बंदा पहचान सकता कि यह सिख धर्म तो बिलोंग करता सो उस तरह इस्लाम धर्म विच है इस्लाम धर्म विच भी दाढ़ी है पहला मैं समझदा हुंदा सी जो छोटे हुंदे सी कि जो मुसलमान हुंदे आ वह भी सारे दाढ़ियाँ रखते हैं उन्हां च फर्क यह है कि बस वो टोपी लैंदे आ जां फिर यानी वाल रखते हैं मतलब पूरे वाल नहीं लंबे वाल नहीं रखते छोटे छोटे रखते हैं सो पहला मैं सोचता सी सारे मुसलमानों की दाढ़ी हुंदी है बट हुण जाके जिवें जिवें वड्डे होए थोड़ा पता लग्या कि नहीं जिद्दां सिखिज़म विच है कि कुछ लोग रखते हैं कुछ लोग जो बगैरत हो जाते हैं मैं सीधा कहूँगा सिख धर्म विच ते बाकी मुस्लिम्स दा आपां नूं पूरा अजे जो लॉजिक है कॉन्सैप्ट आपां नूं नहीं पता सो आपां नहीं बोलांगे है ना मतलब की लॉजिक है तुहाडा दाढ़ी बारे कि दाढ़ी रखनी चाहिए है कि नहीं बट उन्होंने जिद्दां गल कीती ना कि दुनिया का सब तो खूबसूरत इंसान है जो वो बगैर दाढ़ी तो नहीं हो सकता दैन आपां दाढ़ी कट के बीयर्ड कट के फिर सोहने किद्दां बन सकते हैं बहुत वधिया क्वेश्चन है जेकर किसी कोल आंसर है तो दिओ जरूर हाँ जी इन्होंने उही गल कीती भी कट के तुसीं हाँ खूबसूरत हो जाओगे हाँ ओवें लगोगे वैसे भी यार जेकर आपां कुदरत नाल छेड़छाड़ करते हैं तो वह एक तरह का गुना ही हो जाता है क्योंकि जो खुदा ने जो वाहेगुरु ने जो चीज़ बनाई है वह खूबसूरत बनाई है ना तो आपू नकार के है ना उन्होंने कट वट करके फिर आप खूबसूरत किदा बन जाएंगे एक सिंपल जहा लॉजिक है जेकर समझा जाए ना क्योंकि चलो इदा लगा लो कि अपने हम दरखत उगते आप दरखत कट दें ना सो उस तो बाद होंगे प्रॉब्लम्स आप आदियाँ क्योंकि आपको पता है जो दरखत है वो कार्बन डाइऑक्साइड खिंचते एंड ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करते हैं है ना सो वो वातावरण शुद्ध होंगे तो जो कट दें उस तो बाद होंगे ये चीज़ नहीं होंगी दैन आप प्रॉब्लम है ये ताइयों कहने रुख लगाओ रुख लगाओ रुख लगाओ क्योंकि वो पहला बाय डिफॉल्ट लगे से कुदरत नाल हुण आपां नूं खुद लगाने पै रहे हैं सो नुकसान किदा होया अपना ही एंड इदा ही है दाढ़ी का भी एक बहुत लॉजिकल एंड साइंटिफिकली रीज़न है कि दाढ़ी क्यों रखनी चाहिए है बहुत वधिया एंड अजकल वैसे साढ़े पंजाब विच ट्रेंड ही चलिया मोने आइट मीन कि जिन्हां दी कटिंग हुंदी है वह भी दाढ़ियाँ रखते हैं जिदा लाइक तुसीं रखते हो मुस्लिम्स रखते जिदा वो ट्रेंड आ चलिया होया तुसीं पंजाबी गाणियां विच भी देखिया होना सो एक ये नहीं है कि अपनी सिख समझ इस्लाम विच है फॉरन गोरे लोग भी दाढ़ियाँ रखते हैं बहुत रखते हैं सो यदा क्योंकि फायदा है यार दाढ़ी रखने का तुम एक बार सर्च करके जरूर देखो नैट से तुम्हें बहुत फायदा मिलना है हाँ जी सी दाढ़ी छेड़छाड़ मतलब आदि ना छेड़ो हाँ जी मतलब छेड़छाड़ ना करो छेड़ो पर छेड़छाड़ मतलब कटिंग वगैरह ना करो हाँ कटिंग ना करो तुम किसी भी तरीके दाढ़ी खूबसूरत बना सकते हो जो मतलब खुदा जी ने कहा तो वो रखो बिल्कुल फॉलो करो यार पता ही कहेंगे जो उन्होंने दसिया करके दिखाओ यस क्योंकि कई बार की होंगे कि जो अपने पीर पैगंबर होंगे ना वो अपने दिमाग से यानी इंसान की सोच से छड़ देंदे होंगे कई फैसले कई बार डायरेक्ट नहीं दसिया गया होंगे कि तुम दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी है ना सो वो वह अपने तो छड़ते हैं कि आप सोच सकते हैं इसलिए कह सकते हैं कि दो पहलू बन जाते हैं जिदा सिक्के के दो पासे होंगे उदा इंसान के भी इंसानी सोच के भी दो पहलू बन जाते हैं कोई तो कहें दाढ़ी रखना वधिया एंड मतलब उन्होंने अलाउ किया उन्होंने ये हुक्म है बट कई कहें कि उन्होंने कितने भी स्पष्ट रूप में यह नहीं किया भी तुम रखो सो उ फिर जो टकराव हो जाता है दो तरह के बाकी अपनी अपनी राय है सब की है ना आप किसी भी फोर्स नहीं कर सकते सो डू वट एवर यू वॉन्ट मैन है ना सो इसी अज्ज दी वीडियो होप सो तुहानू वधिया लगी होनी एंजॉय किया होना तुसीं अज्ज दी वीडियो नू है ना जी जरूर बाकी इन्हां दी वीडियो आप पहली बार देखी है प्लीज़ इन्हां दे चैनल ते जाओ मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो चैक करो ठीक है उन्हां दे चैनल नू भी सबसक्राइब करो तो अपने चैनल भी सबसक्राइब कर लो तो हिट द थम्स अप नाउ लाइक कर दो अपनी वीडियो नू ते
ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।